Wet reagent storage on lab on chip. We know that lab on chip is basically a full fledged lab and we need stored reagent in a lab on chip. There are two types of strategies which are used for storing the reagents in a lab on chip. One of them is dry storage and the other is the storage of liquid reagents. For the dry storage, we have studied it in the last modules. इस मॉड्यूल में हम लिक्विड रिएजेंट की स्टोरेज के मुतालिक पढ़ेंगे लिक्विड रिएजेंट की स्टोरेज लैब ऑन चिप की परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वन वी हैव स्टोर्ड द लिक्विड रिएजेंट इट कुड बी इमीजिएटली यूटिलाइज यानी कि हमें फौरी तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इट इज मच बेटर देन द ड्राइड फॉर्म रिएजेंट ड्राइड फॉर्म रिएजेंट में हमें पहले रिएजेंट को डिजॉल्व करना पड़ता है एंड देन दिस रिएजेंट इज यूज बट इन केस ऑफ लिक्विड रिएजेंट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल लिक्विड रिएजेंट्स की स्टोरेज के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है इसको माइक्रो डिस्पेंसर कहा जाता है माइक्रो डिस्पेंसर के दो फंक्शन होते हैं पहला लिक्विड रिएजेंट को स्टोर करना और दूसरा फंक्शन उसको जहां पे जरूरत हो वहां पे डिस्पेंस करना है माइक्रो डिस्पेंसर लिक्विड रिएजेंट्स को सेफ रखते हैं और इनको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मसलन ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन या कंटेमिनेशन से बचा के रखते हैं इसके नतीजे में इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है नाउ व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग दीज डिस्टीरियल डिस्पेंसिंग डिवाइसिस इन डिवाइसिस को बनाने के लिए मुख्तफ किस्म के मटीरियल इस्तेमाल किए जाते हैं बट दिन मटीरियल शुड नॉट रियक्ट विद दिए इट शुड बी इनर्ट हमारे पास तीन तरह के मुख्तलिटीरियल है इनमें एल्यूमिनियम ग्लास और पोलीमर्स पोलीमर्स आर बेसिकली प्लास्टिक बेस्ड पोलीमर्स और ये मटीरियल इनर्ट होते हैं और रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते इन रिएजेंट की फर्दर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इन पर मुख्तलिफ रिएजेंट्स का मुख्तलिफ केमिकल्स का स्प्रे भी किया जा सकता है अब वो कौन से मेथड हैं जिनके जरिए हम इन माइक्रो डिस्पेंसर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे पास दो तरह के तरीके हैं द फर्स्ट मेथड इज द कोल्ड फॉर्मिंग मेथड दिस इज द मेथड इन इन विच वी डू नॉट नीड एनी हीट

स्टैम्प टू गिव दिस मोल्ड टू गिव इट अ शेप ऑफ अ मोल्ड एल्यूमिनियम इज एलोंगेटेड एंड देन इट मेनटेन दिन विच वी वॉन्ट इट यानी कि जिस तरह की स्टैम्प होगी उसी तरह की शेप एल्युमिनियम फॉयल की आ जाएगी और कोल्ड फॉर्मिंग मेथड के हमारे पास दो मेन एडवांटेज हैं पहला एडवांटेज ये है कि एल्यूमिनियम इज कम्प्लीट बैरियर इसमें कोई पोर्स नहीं होती This is a complete barrier for water and oxygen, and the other thing is it provide, provides extended uh, expiry date. Yani ke life shelf life you have wo in theskyja, because there is no humidity and no oxygen which can destroy these chemicals. Now, the next type of method uh, is a thermoforming method. इस मेथड में हम प्लास्टिक इसके पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें प्लास्टिक को उस दर्जे तक हीट किया जाता है दैट इज इट बिकम प्लायबल यानी कि वो स्टेट जहां पे प्लास्टिक uh, उसके बाद इस वार्म प्लास्टिक को अंडर ए सर्टन प्रेशर दैट इज अपू फोर टू एट बार कैविटी इज फॉर्म इन टीन नेगेटिव मोल्ड यानी कि इस प्लास्टिक को एक नेगेटिव मोल्ड में इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है इट शुड बी मेल्टेड प्लाइबल फॉर्म में हो और अदर थिंग इज इट शुड बी अंडर प्रेशर एंड देन द मोल्ड इज कूल कूल सच द्लास्टिक बिकम्स रेजेड एंड वी गेट द प्रॉपर शेप ऑफ द माइक्रोडिस्पें अच्छा अब हमारे पास वो कौन सी स्टोरेज फॉर्म की डिवाइसेस हैं स्टोरेज डिवाइसेस की कौन सी फॉर्म्स हैं हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं मैं उनमें से चंद एक का जिक्र करूंगी और हम सिर्फ तीन मेथड्स को ही यहाँ अपने टाइम लिमिट्स की वजह से डिस्कस कर पाएंगे पहली फॉर्म इज अजेंट वी कैन स्टोर अ रिएजेंट इन ब्लेस्टर वी कैन स्टोर अ रिएजेंट इन अ ग्लास एम्प्यूल वी कैन यूज अ स्टिक पैक वी कैन यूज अ पैराफिल्म कु

जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम प्लास्टिक को हीट करेंगे और हीट करने के बाद मोल्ड की फॉर्म में इसको हम एक यूजेबल ब्लिस्टर की फॉर्म में ले आएंगे एंड यू कैन सी इट इन हेयर ये इस स्लाइड में आप एल्यूमिनियम बेस्ड ब्लिस्टर पैकिंग को देख सकते हैं दिस पैकिंग इज यूज इन ए लैब ऑन चिप टेक्नोलॉजी नाउ थर्ड टाइप इज ग्लास एम्प्यूल्स

And probes. The other type of uh, storage is the glass ampule. You can see three types of different solutions: red, blue, and yellow. They are all packed in glass ampules. Now, the most important thing or the latest technology is the use of smart gels. We have studied about hydrogels or smart gels in our previous modules. Uh, Darussalam. a uh, methodology के जरिए hydrogels में अपने liquid reagents को store

या तो हम पी चेंज करें या टेम्परेचर यानी कि पी या टेम्परेचर चेंज करने की सूरत में ये जेल्स वाटर या रिएजेंट को रिलीज कर सकती हैं यू कैन सी इन द स्लाइड स्लाइड के ए पोर्शन में द रिएजेंट इज एड्सॉर्ब इन दाइड्रोजन एंड एज वी सून एज वी इंक्रीज द देशर द रिएजेंट इज रिलीज एंड यू कैन सी इट इन बी सी एंड स्लाइड्स Wet reagent storage on lab on chip is very important for the functioning and performance of lab on chip technology. Basically, it is the real point of need application. Yani ke hume, jis reagent ki hai, it is readily available. There are different types of packing materials such as plastic based polymers, aluminium, and glass which are used for packing the wet reagent. The most latest technology is the use of hydrogels for example different reagents these are aqueous based are adsorbed in the hydrogels and with the result of a environmental stimuli these reagents are released so the wet reagent storage technology is a successfully techno successful technology and is being used in lab on chip